हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम फोरम। आज से एग्ज़ाम फोरम पे आप लोगों को एक नए वीडियो की सीरीज़ मिलेगी जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ठीक है, लगभग हम लोग 500 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे और ये जितने भी प्रश्न होंगे ये आपके ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे पहले से ही सामान्य विज्ञान की एक सीरीज चल रही है, उसके बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अब से आपको सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कोई आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं उन वो आपको डायरेक्ट इन वीडियोज़ में बताए जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये आप लोग नाम याद रखिए, जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, अगला देखते हैं, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, लोक नृत्य से क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके सभी लोक नृत्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जो पूछा गया है वो है लाई हरोबा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है दोस्तों? वो है इम्फाल। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में मिलती रहेगी साथ ही साथ, तो अगर आप लोग को कहीं से पीडीएफ मिलता है तो आप लोग वो तो पढ़िएगा ही, लेकिन वीडियो एक बार आके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था राजस्थान। ठीक है, और पंचायती राज का जो संशोधन किया गया था संविधान में वो किया गया था 1992 में। कौन सा संविधान का संशोधन था? 73वां। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में लिख करके एक बार ज़रूर बताएं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है, ये मैं आप लोग को बता दूँ। अप्रैल की किस तारीख को मनाया जाता है ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, कैपिटल आप लोगों को भारत के जितने राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब की राजधानी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी राजधानी आप लोगों को एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, और जितना भी वीडियो में आता जाएगा मैं आप लोग को बताता जाऊँगा। ठीक है, राजस्थान की जयपुर, उत्तराखंड की देहरादून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, जो क्वेश्चन है बहुत ही मिले जुले हैं, कभी आपको जनरल साइंस के एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीके के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, भूगोल के हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक है, इतिहास के मिलते रहे, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपस में मिला के रखा गया है जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम में भी आपके सामने किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न आ सकता है, उसी तरह इस वीडियो में भी बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, मतलब कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? तो वो होना चाहिए 80 से 120 मिलीमीटर पारा। ठीक है, मतलब कि मरकरी में उसको मेज़र करते हैं, मरकरी की हाइट 80 से 120 मिलीमीटर तक की होनी चाहिए मनुष्य का सामान्य रक्तदाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी देखिए 1915 में भारत लौटे थे, आप लोग को शायद अगर ना पता हो तो याद रखिएगा, यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे महात्मा गांधी, और इसीलिए 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाने का यही कारण था कि इस दिन महात्मा गांधी विदेश से भारत लौटे थे। ठीक है,
खैर, हमारे पास जो प्रश्न था वो था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, मतलब कि इम्पीचमेंट। ठीक है, तो वो महाभियोग के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया है 61, यानी कि आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दो रेलगाड़ी चलती है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में दो रेलगाड़ी, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या होता है, या तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो है केरल। ठीक है, केरल में आजकल बाढ़ आई हुई है, आप लोग को पता होगा, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला देखते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता बसा है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली रिवर, ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। ठीक है, या तो प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। ठीक है, सबसे बड़ी भी है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, इसमें खारा पानी है। ठीक है, और ये चिल्का झील कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत पे भूभाग है पृथ्वी के? वो है 29%, मतलब कि बाकी बचा हुआ लगभग 71% क्या है? पानी। ठीक है, जल भाग है, 71% पे लगभग पानी पाया जाता है और 29% पे भूभाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? या तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक या तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कब की गई थी ये की गई थी 1939 में। किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। ठीक है, अगला देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, किन दलों में विभक्त हुआ? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो हुआ था 1907 में नरम दल और गरम दल में। ठीक है, 1907 में हुआ था, नरम दल और गरम दल में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था जब ये विभाजन हुआ था? वो हो रहा था सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत में अधिवेशन चल रहा था, उसके बाद जो कांग्रेस थी वो दो दलों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी। ठीक है, याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था सन 1972 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1930 को। दूसरा कब हुआ? 1931 में। तीसरा कब हुआ? 1932 में। लगातार 3 साल तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे लंदन में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, कौन उपस्थित थे भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो वो है जापान में। ठीक है, जापान की कैपिटल टोक्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है?
तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नोबल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो नोबल पुरस्कार शुरू हुआ था 1901 में, और किसके नाम पर ये रखा गया है? ये रखा गया है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबल के नाम पे नोबल पुरस्कार का नाम रखा गया है। और अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज करी थी? डायनामाइट की। ठीक है, डायनामाइट की खोज करी थी अल्फ्रेड नोबल ने, उन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। और 1901 से उस पुरस्कार को देना आरंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका। ठीक है, रामायण किसने लिखी? रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, रामायण और रामचरितमानस में अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो रामायण लिखी गई है किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि ने। आगे देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा क्या होती है? कौन सी है? तो जापान की मुद्रा को बोलते हैं येन। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, वहां पर स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। ठीक है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है टेनिस। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है, मतलब किस उम्र तक, किस आयु तक बना रह सकता है? तो वो है 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 65 साल तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा होगा? लोकसभा होगा। ठीक है, सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? सन 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, उसको बोला जाता है पंचशील समझौता। ठीक है, पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में सन 1954 में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, देखिए जनरल साइंस के भी क्वेश्चन बीच बीच में आ जा रहे हैं, यानी कि सामान्य विज्ञान के। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ भी क्वेश्चन हम लोगों ने मिक्स करके रखा है सब क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न आपके एग्जाम में भी आ रहा है। ठीक है, जो ALP का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं, कोई भी सामने कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी तरह से हम लोगों ने भी यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1872 में। ठीक है, और अभी आखिरी बार कब हुई है? वो हुई है 2011 में। ठीक है, हर 10 साल में हो रही है, 2011 में, तो अब कब होगी? 2021 में होगी। ठीक है, तो आखिरी बार अगर पूछ ले अभी कब हुई है, तो वो हुई है 2011 में। हम लोग के पास जो भी डेटा है वो 2011 में हुई जनगणना के आधार पर ही उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास भी नाम लिखा आ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। और रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो वो आयोजित किए गए 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बार जो एशियाई खेल हुए थे वो हुए थे नई दिल्ली में, और कब हुए थे? 1951, सन 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वो हुआ था 1920, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ इस तरीके से याद करने की कोशिश करिए कि जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन एकदम लास्ट में हुआ, ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ, मतलब कि 1942 में हुआ, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह आप लोग याद करने की कोशिश किया करिए। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा। उच्च सदन क्या है? वो है राज्यसभा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि जो
हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो न्यायाधीश हैं उसमें जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, तो वो है 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अभी सर्वोच्च न्यायालय का हम लोगों ने देखा तो उसमें क्या था, 65 वर्ष की आयु तक। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक, 65 वर्ष तक, और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष तक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा एग्जाम में, तो भूलने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है और लोग गलत लगा के चले आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन अपने एक ही PDF में आपको डाल दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन, इस तरह करते हुए हम लोग पूरे 500 प्रश्नों को कवर करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग का एक और चैनल है मैकेनिकल फोरम, वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको ALP Part 2 के वीडियोज़, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट Part 2 होने वाला है, उसके वीडियोज़ आप लोग को जल्द ही उस चैनल पर मिलेंगे। और जितने भी GK रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एग्ज़ाम फोरम और मैकेनिकल फोरम दोनों को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।